गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी साथियों, आज दा अपना नैक्सट टॉपिक जे के अपना पहला पिछले लैक्चर के दौरान डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का अपना टॉपिक चल रहा, उसे कंटिन्यू करते हुए सैकेंड वीडियो जिस अज आप डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि पिछले जो टॉपिक सी असी उहदे विच डिस्कस कीता सीगा सिर्फ सॉफ्टवेयर दी रिक्वायरमेंट गोल ते मैनी प्रोजेक्ट फेल क्यों होंदे ने। तां अज असी जो डिस्कस करांगे इहदे विच टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट के किहड़ियां किहड़ियां टाइप्स ने जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स दीआं उह वरतीआं जांदीआं ने। साडे कोले तीन तरहां दीआं टाइप्स आउंदीआं ने सॉफ्टवेयर दीआं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ते डोमेन रिक्वायरमेंट्स। जिहड़ियां हुंदियां ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वह हुंदियां ने कि तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है वह एक्चुअल विच की फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। जे मान लो फोन है, फोन की फंक्शनिंग की है, कॉल करना, मैसेज करना, यह की है उहदे फंक्शन ने, ठीक है। पर नॉन फंक्शनल की है, तुहाडी फोन की बैटरी, ठीक है, चार्जिंग पावर किन्नी है, किन्ने सिम पैंदे है, वह सारी की ने नॉन फंक्शनल ने। डोमेन रिक्वायरमेंट्स की होएगी कि तुहाडा जिहड़ा सॉफ्टवेयर तैयार होया उहदी मेन डोमेन की है, कित्थों सॉफ्टवेयर है जिहड़ा तुहाडा वह तैयार होया, ठीक है। तो उहदी मेन डोमेन है जिहड़ी वह होएगी। जे मैं एग्जाम्पल ले लईए कि बाइक है, बाइक साडे कोल की है, बाइक की डोमेन की है, बाइक के दे की होणगे दो टायर होणगे, वह की होएगी बाइक। जे उहदी फोर टायर होणगे तो बाइक की कैटागरी दे विच नहीं आएगी, तो वह की है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन की है भी तुहाडा जो आप साइट देखते हैं जां वैबसाइट कोई भी तैयार होंगी तो वो एक ना कोई डोमेन होंगी, जिवें कोई आप कह दिए .in, .education, वह सारिया की ने डोमेन ने। तो पहला असी फस्ट गल करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट द एंड यूजर स्पेसिफिकली डिमांड एज बेसिक फैसिलिटीज दैट द सिस्टम शुड ऑफर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के विच की होएगा, क्योंकि जिहड़ा भी एंड यूजर है वो की है डिमांड होंदी आ उहदी कि मैनू अपने सॉफ्टवेयर विच ये फैसिलिटियां जिहड़ियां वह चाहीदियां ने, ठीक है, भी किहड़ियां किहड़ियां फैसिलिटीज़ तुहानूं उस सॉफ्टवेयर विच मिल रही ने। ऑल दीज फंक्शनैलिटी नीड टू बी नसैसरली इन कारपोरेटड इन टू द सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर रिप्रजेंटड और स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टू बी गिवन टू द सिस्टम द ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड द आउटपुट एक्सपेक्टेड। कि जिस तरह की यूजर इनपुट करेगा उन्हें उस दे रिकॉर्डिंग उस तरह की आउटपुट है जिहड़ी वह मिलनी चाहिए, क्योंकि यूजर जिहड़ी चीज़ जिहड़ी आउटपुट एक्सपैक्ट करता है वह अपनिया जरूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें उहदी आउटपुट है जिहड़ी वह एक्सपैक्टेशन जिस तरह की करता सी उस तरह की आउटपुट है जिहड़ी उन्हें वह मिलनी चाहिए। अगर यूजर नूं अपनिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट है जिहड़ी नहीं मिलती, ठीक है, तो वह उस सैटिस्फाई नहीं होगा। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की होणगियां, क्योंकि वह दसेगा तुहानूं, यूजर जदों भी कोई सॉफ्टवेयर तैयार करवाएगा तो वह दसेगा कि मेरे जिहड़ा सिस्टम आ वह इस तरह की फंक्शनिंग करनी चाहिए, उहदे विच आ मेन फंक्शन है जिहड़ा वह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपां लै लईए कि किसी ने डाटाबेस के उत्ते अपना सॉफ्टवेयर कोई तैयार करवाना है, तो डाटाबेस के विच की होएगा कि डाटाबेस नूं उन्हें स्टोर करके रखना, ठीक है, वो फंक्शनिंग होगी, डाटे नूं प्रिंट करवाना, डाटे नूं मर्ज करना, ठीक है, डाटे दे विचों कोई चीज़ां फाइंड आउट करनियां चाहुंदे आ, स्पैशली मान लो नेम दे अकॉर्डिंग उन्हें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, जां उन्हें इंप्लॉय की आई डी के अकॉर्डिंग उन्हें फाइंड आउट करनी है, तो उहदे विच किहड़ियां किहड़ियां क्वेरी ला के वह सारियां की होणगियां तुहाडियां फंक्शनल रिक्वायरमेंट होणगियां, ठीक है। नैक्सट की है कि वट द सिस्टम शुड डू। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दे विच की है कि वट द सिस्टम शुड डू। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द एक्चुअल सर्विस विच प्रोवाइड अ सिस्टम विल प्रोवाइड। ये की है कि लिस्ट होएगी कि केड़ियां केड़ियां सर्विस जिहड़ा सिस्टम है तुहानूं उह प्रोवाइड करवाउंदा। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द सर्विस फंक्शन विच अ यूजर वांट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है, भी यह की होएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही होनगियां, एक लिस्ट है उन्हां फंक्शनिंग दी जिहड़ियां सॉफ्टवेयर दे विच फंक्शन जिहड़े जिहड़ियां सर्विस तुहानूं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा, तो जिहड़ा यूजर जिहड़ियां चीज़ां चाहुंदा सी उस दे अकॉर्डिंग वह फंक्शनिंग करता है, उन्हूं उस दे अकॉर्डिंग अपनियां जरूरतां जिहड़ियां पूरियां हो रही जां नहीं हो रही। एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच द क्लाइंट डिमांड्स।
ठीक है, मान लो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स दी की ने 10 तरह दी फीचर उन्हें गिनियातियाँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उस की होनी चाहिए है, भी डाटा जोड़ा वो स्टोरेज की ऑप्शन होनी चाहिए है, प्रिंट की ऑप्शन होनी चाहिए है, मर्ज की ऑप्शन होनी चाहिए है, ठीक है, डाटे मूव कर सकता हो, डिलीट कर सकता, नवी चीज़ कोई इंसर्ट कर सकता हो, तो वह सारिया की ने फीचर ने भी उन्हें 10 फीचर जी गिनाती कि फीचर जिहड़ियां हुण डिमांड करता सी क्लाइंट उस दे अकॉर्डिंग तुहाडा सॉफ्टवेयर जिहड़ा वह काम करता हो, सारी की है फंक्शनिंग कि उहदे च किहड़ियां किहड़ियां फंक्शनिंग 10 तरह की फंक्शनिंग उन्हें कहती कि मेरा सॉफ्टवेयर जिहड़ा होएगा वह इस तरह की फंक्शनिंग है जिहड़ी वह परफॉर्म करेगा। बिजनेस रूल ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर, तो हुण जदों इहदे विच की होएगा कि बिजनेस रूल भी अपलाई करना पएगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उहदा कोई रूल बनया होया कि वह इस तरह की चीज़ है जी जिहड़ी वह चाहती है, तो वह कोई रूल है कि इसनों सिर्फ की है एडमिन है जिहड़ा कोई एक्सैस कर सकेगा, ठीक है, ये जो चेंजस ने वो कोई एडमिन कर सकेगा, तो वह बिजनेस रूल भी उन्हें की है कोई ना कोई रूल है जिहड़ा वह बनाया होया है, तो उस बिजनेस के रूल है जिहड़े वो उस फॉलो है जिहड़े वो होने चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट्स नूं आपां समराइज कर दी कि फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट की है, लिस्ट है फंक्शन है जिहड़ा यूजर जिस तरह चीज़ चाहता सी उस दे अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर है जिहड़ा वो काम करता होवे, उहदियां बहुत सारिया फीचर्स हो सकदियां ने, डिमांड्स हो सकदियां, उहनां डिमांड नूं फुलफिल करता होवे, ठीक है, जिहड़ियां फंक्शनिंग होणगियां जिहड़ी चीज़ां एक्चुअल विच काम करनगियां वो की है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की होणगियां, दीज आर बेसिकली द क्वालिटी कंस्टेंट्स दैट द सिस्टम मस्ट सैटिस्फाई अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट, द प्रायोरिटी ऑफ और एक्सटेंड टू विच दीज फैक्टर्स आर इंप्लीमेंटल वेरी फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर, दे आर आलसो कॉल्ड नॉन बिहेवियरल फंक्शन। भी हुण मान लो एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते डाटा जिहड़ा वो ट्रांसफर होंदा तो वह की होएगी कि नॉन फंक्शनल होगी, नॉन फंक्शनल की है उन्होंने सारिया चीज़ों के उन्होंने बेसिकली किहड़े-किहड़े इशू है जिहड़े भी पोर्टेबिलिटी सिक्योरिटी मेनटेन करके देखना, रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी उसकी परफॉर्मेंस रीयूजेबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी ये सारिया की ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जदों भी यूजर कोई सॉफ्टवेयर तैयार करवाउंदा तो उन्हें तुहानू फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो अपनी दसदियाँ, ठीक है, भी जिहड़ा सॉफ्टवेयर है उस आह चीज़ा जिहड़ियां वह होनिया चाहिए ने, पर नॉन फंक्शनल की होएगा कि वह पोर्टेबल होवे, ठीक है, उन्हों डाटे वह ईजली एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते ट्रांसफर करता होती लगी होनी चाहिए है, वो एक्सपैक्टेशन है, वो यूजर तुहानू दसेगा नहीं कि मैनू आह चीज़ चाहिए है, ठीक है, यूजर ने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट दसनिया ने जिहड़ियां काम करदे उन्हें फंक्शनिंग दसनिया, जिवें आपां गल कीती कि डाटा स्टोर करन दी कोई सॉफ्टवेयर उन्हें तैयार करवाना है तो डाटा स्टोर हो गया, प्रिंट हो गया, मर्ज हो गया, वो सारिया रिक्वायरमेंट उन्हें दसते हैं कि ये चीज़ा होनी चाहिए ने, पर फास्ट प्रोसैस करे, उन्हें कोई डाटा ऐड करना नवा, कोई डाटा सर्च करना, ठीक है, मान लो मैडिकल के नाल रिलेटड कोई सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, ठीक है, किसी हस्पताल ने कहता कि सानू मैडिकल के नाल रिलेटड ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उहदे विच उन्होंने की किया हस्पताल ने कहता कि जिहड़ा भी कोई पेशेंट होएगा उहदा डाटा असी सारा जिहड़ा स्टोर कर सकते होइए भी उन्हों की सिमटम ने किड़िया बीमारिया पहलन लगे हुई ने जी बीमारी किस चीज़ के नाल सॉल्व ईजली हो जाती है, तो वह सारिया चीज़ा ज जी बीमारी कि सिमटम तो हुई है वह सारी इनफॉर्मेस उन्होंने स्टोर करके रख ली। हम किया पेशेंट आया ये ना हो कि जो पेशेंट का डाटा उन्होंने सर्च किया तो वह सर्च करके जोड़े सिमटम ने की सिमटम तो उन्होंने कोई बीमारी हो सकती है वो एक या दो सैकंड आउटपुट है जी दे सकता हो ना हो कि आउटपुट आने अद्धा घंटा लगे, ठीक है, तो ईजली फाइंड आउट है जोड़ा ना कर सकता होोसैस है जी हाई होनी चाहिए ता कि उस तक पेशेंट की डैथ है जी हो सकती है, तो नाल ही उन्होंने जिस तरह की चीज़ चाहिए आउटपुट नाल जनरेट कर सकता हो सारिया की होनिया साड़िया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनगियाँ। नॉन फंक्शनल दे विच की आ गई पोर्टेबिलिटी सिक्योरिटी मेनटेनेबिलिटी रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस रीयूजेबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी ये सारिया की ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगे ने जो कि यूजर तुहानू नहीं दसेगा वो की है डिवेलपर ने आप तैयार करनी कि उन्होंने जिहड़ा भी सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार करके दिता वो ईजली काम करता होगा नहीं कि होएगा कि जो यूजर ने देखा कोई चीज़ सर्च करके देखी भी चक भाई तेरा सिस्टम है जोड़ा सॉफ्टवेयर है वह फेल है तो अद्धा घंटा सर्च करने दी ला दिता
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹਾਉ ਅ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਹੇਵ ਵਾਈਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ। ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਕੰਸਟੇਂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਫਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਟੇਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਵੇ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਕੰਸਟੇਂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਫਰਿੰਗ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਵੇ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੇਬਿਲਟੀ, ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਡਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ, ਦੀਜ ਆਰ ਨੋਟ ਇਗਨੋਰੇਬਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਐਸ ਦੀਜ ਆਰ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋਅ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਰ ਡੂ ਨੋਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਟ ਵਾਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਜੇਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਓਪਰੇਟੇਬਿਲਟੀ, ਐਥੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਲੈਂਗਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਡੋਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ
ठीक है, डोमेन कितने हैगी, तुहाडा सिस्टम कितों तैयार होया, ठीक है। वट इज डोमेन, डोमेन की है, डोमेन इज सिंपली द एरिया वेयर यूअर सॉफ्टवेयर बिलोंग टू, एक है एक एरिया है कि तुहाडा सॉफ्टवेयर कितों बिलोंग करता है, उसकी डोमेन कितों की है, ठीक है। लैस टेक एग्जाम्पल अ बाइक, आप बाइक की डोमेन की एग्जाम्पल ले लीए कि बाइक ले ली, क्योंकि उन्हें एक बंदे ने किया, क्योंकि बाइक है, बाइक दियाँ अगे कैटेगरी बहुत हो सकती हैं, स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है, कैजुअल बाइक हो सकती है, होर कई बाइक अलग अलग कैटेगरीज आ जाए ने, ठीक है। तो जी आप कह दी भी दो टायर तो, ठीक है, भी जी चीज़ के दो टायर होने वो की होएगी, बाइक डोमेन आएगी, ठीक है, जिदे चार टायर होने वो बाइक डोमेन नहीं आएगी, ठीक है। तो डोमेन की सिर्फ रिप्रजेंट करते हैं तुहाडा सॉफ्टवेयर कितों बिलोंग करता है। लैस सपोज यू आर मेकिंग अ साइट, हम नैक्सट आप एग्जाम्पल लै लीए कि लैस सपोज यू मेकिंग अ साइट टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, द डोमेन ऑफ दैट वैबसाइट इज ई कॉमर्स, ठीक है। हुण जे कोई आप बहुत सारिया साइट देखते हैं जिहड़ियां ऑनलाइन शॉपिंग करवाउंदियां ने, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ा जिहड़ियां बेचदियां ने, वह कि डोमेन दे विच आउंदियां ने, ई कॉमर्स दे विच। इस तरह कि तुहाडी तुसीं कोई साइट तैयार करवाई अपनी, ठीक है, तुसीं अपनी कोई चीज़ ऑनलाइन वेचना चाहते हो, ठीक है, उस अपना डाटा जो अपलोड करोगे प्रोडक्ट्स में तो उन्होंने वेच सकते हो, वह सारियाँ कितने हो कॉमर्स डोमेन आनगियां। इस तरह यू आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉप, तुसीं कोई सॉफ्टवेयर लिया सिर्फ तुसीं की है अपनी शॉप के लिए, अपनी शॉप के उत्ते रखना है, तो उस तरह की जो सॉफ्टवेयर होंगे वह कि आते हैं POS डोमेन पॉइंट ऑफ सेल के। इन्हों आप नैक्सट मैं अगे स्लाइड दोनों चीज़ों डीपली डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स के चीज़ा होनगिया तो POS के हो गई। तो ठीक है, फस्ट एग्जाम्पल आप लें पहली ई कॉमर्स डोमेन, ई कॉमर्स डोमेन की है, वी वट इज़ द मेन इफ वी डोमेन ऑफ अवर साइट इज ई कॉमर्स, ठीक है, भी अपन क्या पता लगे कि साड़ी जिहड़ी साइट है वह ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स डोमेन की होएगा कि जो भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जिन्या भी बेचिया जाए ने, ठीक है, तो हम ऑन वो की होएगा जे ऑनलाइन उन्होंने कोई चीज़ तैयार करनी है कोई, तो वो की होएगा तुम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो अपनी साइट है जी तैयार करा ली कि असी ऑनलाइन सेल करनी है, तो वो की है तुम डेबिट कार्ड क्रैडिट कार्ड भी पेमेंट की ऑप्शन है जी देनी पेगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जा होम डिलीवरी की ऑप्शन होएगी, पेमेंट उदों होएगी तुहाडी, ठीक है, बाय कैश होएगी जा ऑनलाइन होएगी, वह सारिया चीज़ा की डिस्कस करनगियाँ ई कॉमर्स, उतो पता लग गया कि एक केड़ी साइट है साड़ी, एक ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है। टेक द सैकेंड एग्जाम्पल की है, पॉइंट ऑफ सेल, वट इज़ द मेन इफ से डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज POS, तो POS सानू पता लगेगा POS है, ठीक है। हम POS की है कि सॉफ्टवेयर तुम सॉफ्टवेयर तैयार करवाया तुसी अपनी शॉप के लिए, तो शॉप के विच की होएगा तो तुहाडी शॉप का पूरा स्टॉक है जिहड़ा उन्हों स्टोर करके रखना, ठीक है, किन्नियां तुसी चीज़ा परचेज कीतियां, किन्नियां तुहाडियां सेल होईयां, ठीक है, उहदा बिल है जिहड़ा वह कटना, ठीक है, वह सारिया चीज़ा निकीनियां तुहाडियां POS डोमेन दे विच आउंदियां, कि तुसी अपनी शॉप के लिए एक किसी भी बंदे ने सॉफ्टवेयर बनवा लिया, ठीक है, तो वो उस सॉफ्टवेयर के अपन एंट्रिया जीडिया वो पा सकते, जिमें कि आप गल कर लिए टैली, टैली सॉफ्टवेयर वरत्या जाता है जिद कि असी अपनी सारी इनफोरमेशन है जी रख सकते हैं, तो वो किस डोमेन आएगा, POS डोमेन आएगा। तो अज का जो लैक्चर आप इतने ही समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि तुहानू समझ लग गया होगा, तीन तरह दी टाइप्स आपां सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दियाँ, फंक्शनल नॉन फंक्शनल तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू, नैक्सट टॉपिक दे विच असीं नैक्सट दे चैप्टर जिहड़े वो डिस्कस करांगे।